ये कुछ अलग समझ में आई हमारे, तो हमने ये पैक करवा लिया है। अब हो सकता है कल, आज मटेरियल आ जाए तो कल काम होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज तुम रेडी हैं जाने के लिए? सिया जी को कुछ सामान लेना है, इम्पॉर्टेंट सामान। इनको कई दिन से दबाव बना रही हैं कई दिन से कह रहे हैं कि लाइए लाइए लाइए, तो हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा था तो नहीं आ पाया। आज जा रहे हैं, शाम के बज गए हैं 5:30, तो आज निकल रहे हैं अभी। और आज 5:30 बजे ब्लॉगिंग शुरू हो रही है हमारी। देखिए ये बैठी हुई हैं, इनको आज मशीन चाहिए ही चाहिए, सिलाई मशीन। तो चलिए फिर चलते हैं चौक, और चौक में शाम के वक्त ज़बरदस्त भीड़ लगी रहती है, तो चलिए चलते हैं। बाकी वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा लगी रहती है शाम के वक्त। क्यों सिया जी, लग रहा है आपकी मशीन आ जाएगी, खुश हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? खुश हैं। तो आज सिया जी की मशीन आ जाएगी, सिलाई मशीन। कल से अपने कपड़े आराम से सिल सकेंगे, इनको टेलर का सिला हुआ कपड़ा नहीं पसंद आता है। कुछ घरेलू कपड़े भी होते हैं जिसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो कहाँ आदमी ले जाए किस टेलर के पास मेंटेन करने के लिए। तो उससे अच्छा है घर का मशीन रहता है, तो आदमी कर सकता है अपने हिसाब से, उसको घटा बढ़ा सकता है। क्यों, इसीलिए जाना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग चौक पहुँचे हैं, और चौक में अच्छी खासी भीड़ रहती है शाम के वक्त, और रोड के किनारे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, ऐसे सारी गाड़ियाँ रोड के किनारे दोनों साइड से, इधर भी ऐसे ही, और दोनों तरफ पार्क होती हैं। हम लोग आ गए हैं बंगाली दादा के यहाँ। बंगाली दादा के यहाँ हम लोग खाएंगे कटलेट पनीर और आलू का, इसके बाद चलते हैं और चौक की तरफ, घंटाघर की तरफ। तो अभी हम लोगों को चलना है घंटाघर की तरफ, वहाँ पे लेना है सिलाई मशीन। उनको चाहिए सिलाई मशीन, मनपसंद उनके कपड़े सिल नहीं पाते हैं सब टेलर यहाँ के, तो उनको खुद अपना, वो खुद जानती हैं, अपना टेलरिंग कर लेती हैं, सिलाई करना जानती हैं, इसलिए वो खुद मशीन चाह रहे हैं कि हम अपने कपड़े खुद से सिलेंगे, इसलिए हम लोग आए हैं। देखिए पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मशीन लेने। चौक में आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे जिसमें फ़ोटो फ्रेमिंग किए हुए मिलते हैं, चित्र मंदिर बहुत सारे हैं, पिक्चर हाउस इधर भी है, चित्र मंदिर गीता है उधर, चित्र मंदिर है। एक तो चौक साइड में इतना भीड़ रहती है शाम के वक्त, यानी 3-4 बजे के बाद ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है बाइक से। फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा समय लेके आएँ, एक्स्ट्रा 1 घंटे का समय लेकर आएँ, तब तो फोर व्हीलर से कोई काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ 1/2 घंटे तो बाइक में लग जाते हैं पास होने में। अभी हम आ गए हैं घंटाघर में, और यहाँ गढ़ी सराय में आए हुए हैं। ये पड़ता है घंटाघर के, घंटाघर से दाहिने तरफ पश्चिम, यानी दाहिने तरफ मतलब कि पश्चिम में। तो गढ़ी सराय में आए हैं, और यहाँ पे मोहम्मद कदीर भाई की दुकान पे, और यहाँ पे सिलाई मशीन सेलेक्ट किया है। ये कुछ अलग समझ में आई हमारे, सुई धागा। बाकी तो उषा है, लगभग सारी कंपनियों की सिलाई मशीनें यहाँ पे मिल जाएंगी, लोकल से लेके ब्रांडेड, लेकिन उषा तो सब लोग जानते हैं उषा के बारे में। उषा को देखा गया, और इसमें सुई धागा, तो ये नई है, मेड इन इंडिया है, और वो भी तो मेड इन इंडिया ही है, लेकिन ये जब से ब्रांडिंग हुई है और सुई धागा मूवी भी आई है, तब से ज़्यादा हाईलाइट हो गई सुई धागा। तो सुई धागा को लिया गया, अब इसका देखा जाए फीडबैक क्या है। तो हमने ये पैक करवा लिया है, और ये रहे मिस्त्री यहाँ के तो फिटिंग करते हैं यहाँ पे, ऑयलिंग करते हैं, बस इसमें तो ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग तो होता नहीं है, बस केवल ऑयलिंग होता है बस। तो यहाँ पे आप भी संपर्क कर सकते हैं मोहम्मद कादिर भाई की दुकान पे, तो कादिर स्वीट्स के बगल में इनकी दुकान है सिलाई मशीन की, तो यहाँ से आप ले सकते हैं उचित दाम में, हमको उचित दाम लगाएं, आप भी आएंगे तो अच्छे दाम में आपको दे देंगे। तो हमने ले लिया मशीन, तो ले लिया, अब चलते हैं इसको लेकर। तो पहुँच गए घर पे, या मशीन आ गई, आपकी मशीन आ गई, ये रही आपकी मशीन, और ये रहा कांच, शीशा ले लिए, ये वाला छोटा पड़ रहा था, सेम इसी का भाई है, वो थोड़ा बड़ा है, हाँ ये लग गया शीशा, अब सही है, पूरा आ रहा है,
पूरा क्या आ रहा है पीछे जो है, जब तक पेंटिंग नहीं होगी तब तक सही नहीं आएगा। इसमें पूरा अपना देख सकते हैं फोटो, फोटो नहीं अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं पूरा। है जो मशीन वशीन तो आ गई, क्योंकि शीशे में ही फ़ायदा कि सिया जी इधर खड़ी दिख रही हैं और मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मार्केट निकलते हैं, क्योंकि हम लोग आते वक्त सब्ज़ी नहीं लिए और सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो सिया जी बनाएंगे खाना ना, और अजय वापस चले आएँगे, हमको थोड़ा सा और मार्केट में जाना है, मतलब आगे जाना है टेलरगंज के लिए। तो देखते हैं अजय उधर से लेकर आएँगे, और ठंडक बढ़ गई है तो जैकेट डाल लिया जाए, हाफ जैकेट से ही काम चल जाएगा। दो दिन से ठंडक बढ़ी हुई है, गलन बढ़ गई है दो तीन दिन से, घर में तो नहीं पता चल रहा है लेकिन बाहर जो है पता चल रहा है गलन बढ़ गई है। गाइस पहुंच गए हम घर पे, और बाहर ठंडक बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है। और इधर ये लोग खाना बनाने में जुटे हुए हैं, आज वेडनेसडे का लाभ उठा रहे हैं, एक करी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अंडा करी। ठंडा लग रहा है क्या? आइए फिर हम भी थोड़ा वस्त्र चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग की धूप अच्छी खासी खिल गई है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों क्या अब ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग में ही पानी जल्दी चला जा रहा है, मॉर्निंग में नहीं 11 बजे तक पानी चला जा रहा है समर शेबुल का। पहले सप्लाई का पानी हमेशा आता रहता था, लेकिन आजकल जो है 11:15 बजे तक पानी चला जा रहा है। तो कुछ काम भी नहीं हो पाया, बाहर लगवाना था छत पे काम, वो भी नहीं हो पाया, अभी मटेरियल नहीं आ पाया, इसकी वजह से रुका हुआ है। पर ये सीढ़ी बगल से मांग लाए हैं, सीढ़ी अपनी तोड़वा दी गई, चलिए ऊपर चलते हैं। ये छत की सफाई करवा दी है ऊपर, अब इस पर थोड़ा सा काम लगवाना है किनारे किनारे, जो पानी रिश्ता है रिश कर पानी अंदर जाता है टपकता है बरसात में, इसलिए इसको किनारे किनारे थोड़ा सा सीमेंटेड करवाना है। अब हो सकता है कल, आज मटेरियल आ जाए तो कल काम होगा, इसके अंदर अंदर बनवाना है किनारे किनारे उधर भी, ताकि दीवार का पानी रिश के अंदर न जाए। चलिए फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ लाइट भी चली गई, अंदर अंधेरा हो गया और मोटर भी नहीं चल रहा है। अब सब लोग बारी बारी स्नान करेंगे, चलिए चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद आ भी गई लाइट। मोटर चालू कर दीजिए, हमारा पेपर आ गया है और इधर चाय नमकीन। तो सिया जी गए हैं स्नान करने, इसलिए सबका नीचे भी है, जितने लोग हैं सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम धाम निपटा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पानी चला जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।